हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल ऑफ सादिक अख्तर। आज हम बात करेंगे कि अगर आप सी लैंग्वेज सीख रहे हैं या सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आपने ज़रूर सी टर्बो सी प्लस प्लस डाउनलोड किया होगा, और आपको उसमें एक दिक्कत आ रही होगी कि जब भी आप उसको खोलते होंगे और कुछ टाइप करने की कोशिश करते होंगे तो कोई लेटर टाइप नहीं होता होगा। कीबोर्ड में आप कुछ भी दबा लें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी टाइप नहीं होता है। तो ये क्यों होता है और इसे कैसे हटाया जाए ताकि हम फिर से अपने कीबोर्ड से टाइप कर सकें? ये प्रॉब्लम उन लोगों को फेस होता है जो अपने लैपटॉप या पीसी में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रखे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम टर्बो सी प्लस प्लस खोलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। मैं टर्बो सी प्लस प्लस खोला है। ये टर्बो सी प्लस प्लस खुला मेरा। देखिए दोस्तों, ये मेरा प्रोग्राम एक लिखा हुआ है। अगर मैं इसे कुछ भी यहाँ पे लिखना चाहूँ, कहीं पे भी कुछ भी मैं लिखना चाहूँ, ये देखिए मैं कितना भी अपने कीबोर्ड पे कोई भी की प्रेस करूँ कुछ नहीं टाइप हो रहा है, कुछ के कुछ की टाइप नहीं हो रहा है। तो इसका क्या प्रॉब्लम, ये क्यों होता है, ये मैं बताता हूँ। चलिए आप पहले क्विट कर लें, फिर हम आएंगे इसमें। तो फिर देखिए आप दोस्तों, आप पहले अपने पीसी में ये लैपटॉप में जो भी एंटीवायरस है उसे यहाँ से खोल लें। ये मैंने खोला। उसके बाद आप देखिए, मैं क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी फाइल्स एंड फोल्डर्स में आपको जाना है। फिर आपको ये एक ऑप्शन मिलेगा एंटी की लॉगर का, ध्यान से देखिएगा एंटी की लॉगर। ये क्या होता है, कोई ऐसे सॉफ्टवेयर जिसका डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं है तो उसे क्या करता है, हैक होने से बचाने के लिए कोई भी इनपुट यूज़र से नहीं डलवाता है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो जिनका डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं वेरीफाइड होता है, वैसे फाइल्स में अगर हम कुछ भी टाइप करते हैं तो वो हमारे पर्सनल डेटा को लेके वो हैकर को दे सकता है। इसलिए एक टोटल सिक्योरिटी ये सब जो एंटीवायरस रहते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं। पर ये हम जानते हैं कि टर्बो सी प्लस प्लस ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, वापस टर्बो सी प्लस प्लस खोलना है। तो इस बार हमें क्या दिखेगा कि हम कुछ भी लेटर आप टाइप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं टाइप हो रहा है कि नहीं, कि फिर हमें कोई दिक्कत पेश आ रही है। चलिए इसे देख लेते हैं एक बार। देखिए मैं आप टाइप करता हूँ कुछ भी, मान लीजिए इंट। देखिए मैं टाइप होने लगा है दोस्तों, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों, टाइप होने लगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आपको करना क्या था, आपको अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में जाके फाइल्स एंड फोल्डर्स में जाना था और एंटी की लॉगर को ऑफ कर देना था। उसके बाद आपका कीबोर्ड वर्क करने लगेगा। दोस्तों ये प्रॉब्लम उन्हीं को आएगा जिनके लैपटॉप या पीसी में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड है। तो दोस्तों, होप ऑल यू हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम एंड व्हाट वेयर इट्स कॉज। सो सून वी विल मीट इन द अदर वीडियो। Hope you will like this video. मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मुझे भी ये प्रॉब्लम फेस हो रही थी, तो आपके लिए ये सॉल्यूशन शायद बहुत ही अच्छा हो। तो इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।